अगर किसी भी प्रकार से जनजाति समाज, आदिवासी समाज के भाइयों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उससे हम पुनः पुनः फिर से मैं बोलता हूं कि मैं अपने स्टेटमेंट को खंडन करता हूं और माफ़ी मांगता हूं। जैसा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज ने अपना त्यौहार यहां पर मनाया था, साथ में मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ और देश भर में जो आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, उस संबंध में यहाँ पर आक्रोश भी व्यक्त किया गया था और उसमें छुटपुट कुछ घटनाएं भी हुई। उसी दौरान कुछ ऐसी विवादित टिप्पणियाँ भी आई थी। उस मामले को लेकर सिवनी मुख्यालय में श्री राम सेना के द्वारा सिवनी में 12 तारीख को एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उनके द्वारा जो उनके श्री राम सेना के प्रमुख शुभम बघेल जी हैं, उनके द्वारा आदिवासी समाज को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी, जिससे आदिवासी समाज आक्रोशित भी था और नाराज भी हुआ था। लेकिन उसके बाद आदिवासी समुदाय ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी और शिकायत दर्ज कराने के बाद श्री राम सेना के प्रमुख शुभम बघेल, जो कि शुरू से गौ सेवा और गौ माता की सुरक्षा रक्षा के लिए वो बीते कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनका संगठन गौ माता और गौ सेवा के लिए काम करता है और आदिवासी समाज के बढ़ते आक्रोश को देखते, और जैसा कि आदिवासी समाज ने कहा भी था कि यदि जो आदिवासी समाज के लिए राम सेना के प्रमुख द्वारा टिप्पणी की गई उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता है। इसी चेतावनी और वक्तव्य को और आदिवासी समाज की बातों को समझकर शुभम बघेल श्री राम सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया और आदिवासी समुदाय के साथ उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक सिवनी ज़िले में एक एकता की भावना के साथ साथ जो उनसे गलती हुई थी उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा है और आदिवासी समुदाय ने भी अपना दिल बड़ा करते हुए, जैसा कि आदिवासी समुदाय का इतिहास है उस अनुसार, उनको भी माफ़ कर दिया है। इस संबंध में हम राम सेना के प्रमुख शुभम बघेल जी से बात करेंगे कि आखिर जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद वे सिवनी में सिवनी ज़िले में आदिवासी समुदाय के सम्मान में और इस ज़िले का अपना सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक वातावरण बना रहे, उस संबंध में हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और यहाँ क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने आदिवासी समाज से किस तरह जो भी उनकी माफीनामों में जो हुआ है उस संबंध में उनसे बात करेंगे। शुभम बघेल, 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए संपूर्ण ज़िले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी और नगर के कई वार्डों से लंबे समय से हमारे बीच में गौरव आदिवासी का विश्व आदिवासी दिवस का गौरव दिवस के रूप में सिवनी में मनाया जाता रहा, जिसको बड़े सम्मानपूर्वक सभी स्वीकार भी करते हैं, पर 9 अगस्त को 2023 में कुछ ऐसी असामाजिक तत्वों के द्वारा बीच में आकर के ऐसी घटना की गई थी जिससे शहर का वातावरण भंग करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर के हमारे द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। उस स्टेटमेंट के दौरान कहीं ऐसा लगता है कि आदिवासी भाइयों की, जनजाति क्षेत्रों से विश्व आदिवासी दिवस को मनाने आए हुए भाइयों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं श्रीराम सेना प्रदेश प्रभारी के नाते श्रीराम सेना के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ओर से हृदय की गहराइयों से उनसे क्षमा मांगता हूं। मैंने प्रिंट मीडिया के लिए लिखित में भी स्टेटमेंट दे दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा समाज एक दूसरे का पूरक रहा है। लंबे समय से हम एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तीज त्यौहार पंथ अपने मानते चले आ रहे हैं और अगर किसी भी प्रकार से कोई बाहरी असामाजिक तत्व तो हमारे बीच में आकर के बरगलाने का प्रयास करता है तो ये भी हमें स्वीकार नहीं होगा और हम अगर किसी भी प्रकार से जनजाति समाज, आदिवासी समाज के भाइयों की भावनाएँ
आहत हुए हैं, तो उससे हम पुनः पुनः फिर से मैं बोलता हूँ कि मैं अपने स्टेटमेंट को खंडन करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। और भविष्य में, वर्तमान में और भविष्य में, हम हमेशा एक दूसरे के पूरक बन करके समाज में सामाजिक और धार्मिक जो कार्यक्रम है उसका सहयोग एक दूसरे के प्रति करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आज अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी बातें जो जो लोग भी सुन रहे हैं, अन्य समाज के लोग भी सुन रहे हैं, कि हमारे जो भाई हैं वो वनवासी नहीं हैं, आदिवासी हैं, क्योंकि वन में बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, बहुत सारे पशु भी रहते हैं। और अगर हम वनवासी शब्द का आदिवासी भाइयों के लिए, जनजाति क्षेत्र के भाइयों के लिए अगर उपयोग करते हैं, तो ये शब्द भी निश्चित ही बदलना चाहिए, ये अपमानित भरा शब्द है। तो मेरे द्वारा अगर किसी भी प्रकार से जनजाति समाज के भाइयों को, आदिवासी समाज के भाइयों की भावनाएं मेरे स्टेटमेंट से हाथ हुई है, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। और भविष्य में हम एक दूसरे के तीज त्यौहार में श्री राम सेना शिवनी मध्य प्रदेश नहीं पूरे ज़िले में एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण रूप से एक दूसरे के तीज त्यौहारों में समरस होगी, यही भावना, यही अपेक्षा मैं सर्व समाज से रखता हूँ। सभी को धन्यवाद।